So what is the difference between allergic cold and normal cold? Allergic cold and normal, I already told this in a little way back, थोड़ी देर पहले. देखिए एलर्जिक कोल्ड एक तरीके से जब तक एलर्जिक सब्सटेंस है तब तक रहेगा, राइट. और कई बार एलर्जिक कोल्ड आपको रेगुलरली लंबे के लंबे के लंबे समय तक कंटिन्यूसली बना रहता है, मतलब जो 15 साल 20 साल से छींक आ रही है, बार बार हो रहा है, दैट कैन नॉट बी अ कंटिन्यूस वायरल इन्फेक्शन. अगर वायरस है तो वायरस आपके शरीर में इतने टाइम रहेगा तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, खा जाएगा आपको, आपका लंग्स खा जाएगा, आपका आपके अंदर बढ़ता जाएगा तो सब तोड़ देगा, सब तोड़ देगा. वायरस करता क्या, अंदर जाता है, अंदर जाता है, आपके सिस्टम हाईजैक करता है, एक सेल के अंदर जाता है, सिस्टम हाईजैक करके मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके सेल भर देता है, फूट जाता है, सेल फूट जाता है, उससे दूसरे ऐसे फिर कम से कम 1000 सेल को और पकड़ता है, फिर सबको फोड़ देता है, फिर और लाखों सेल को पकड़ता है, सब फोड़ता है. अब सारे लाखों करोड़ों सेल मर रहे हैं तो उस ऑर्गन में सिम्टम तो आएंगे, ऑर्गन में सिम्टम, ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाएगा अगर इस तरह से. इसी एक खतरनाक वायरसेस जो होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ स्पीड ज़्यादा है, खतरनाक वायरसेस में स्पीड ज़्यादा है ग्रोथ होने की, इसीलिए वो खतरनाक. तो इसीलिए आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता अगर आपका बीमारी बहुत लंबी है, कंटिन्यूस है, तब वो एलर्जिक कोल्ड है, राइट. और अगर आपको एलर्जिक कोल्ड है या वायरल कोल्ड है, दोनों में एंटी एलर्जिक मेडिसिन से फ़ायदा होगा. तो यही मेन डिफरेंस होगा वायरल या एलर्जिक कोल्ड के बीच में, कि वायरल कोल्ड क्या है, एलर्जिक कोल्ड क्या है. ड्यूरेशन कंटिन्यूसली, इंटरमीडिएट हो रहा है तो ये हो सकता है कि बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी. बट देन कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, हर वक्त हर दिन होता है, हर हर हफ्ते होता है, देन देर इज़ मोर प्रॉबली एक एलर्जिक कोल्ड. तो आपको एलर्जी प्रोफाइल कराना चाहिए, एलर्जी शॉट्स लेने चाहिए, एंटी एलर्जिक लेने चाहिए, ENT स्पेशलिस्ट या फिर इनको जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं, एलर्जी के स्पेशलिस्ट कोई हैं तो उसका नाम है इम्यूनोलॉजिस्ट, यू कैन शो देम.